हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बुनियाद, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स में आज हम इंट्रोडक्शन टू कॉलम बेसिस टॉपिक पे मैंने ये लेक्चर बनाया है आप लोगों के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार इस बुनियाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मैं कोई ऑनलाइन लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। इन केस अगर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या क्लासरूम से भूल जाता हूँ बताना, वैसे तो मैं रिमाइंड कर देता हूँ, लिंक भी शेयर कर देता हूँ सभी को, बट यू नीड टू सब्सक्राइब इट बिकॉज यू विल गेट योर नेम इनरोल्ड इन आर डेटाबेस एज वेल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉलम बेसिस। तो कॉलम बेसिस क्या होते हैं? जो स्टील के कॉलम्स आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, कॉलम का बेस, ठीक है, नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। कॉलम का जो बेस है उसका, जहाँ पे कॉलम रेस्ट करता है नीचे, इट कैन बी अ फाउंडेशन या पेडेस्टल पे, एक RCC या फाउंडेशन पेडेस्टल पे कॉलम रखा जाता है, तो उसका बेस तैयार किया जाता है, ठीक है, बेस तैयार करते हैं इसलिए ताकि जो लोड ट्रांसफ़र है वो कॉलम से फुटिंग में हो जाए। नाउ इंट्रोडक्शन टू कॉलम बेसिस। अ स्टील कॉलम बेस कंसिस्ट ऑफ अ, पहला है स्टील कॉलम, जो भी आपका कॉलम आपने डिज़ाइन किया है। दूसरा बेस प्लेट, कॉलम के नीचे एक प्लेट लगाई जाती है, जहाँ पे भी कॉलम हम रख रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं उसके नीचे तले में एक प्लेट लगाई जाती है, उसे कहते हैं बेस प्लेट। वो स्टील की प्लेट होती है, उसकी थिकनेस डिपेंड करती है लोड पे, जितना ज़्यादा लोड आएगा उतनी मोटी प्लेट आपको प्रोवाइड करनी है। तीसरा पार्ट है कॉलम बेस का एंकरिंग असेंबली। एंकरिंग असेंबली कुछ नहीं होता, जो कनेक्शंस हम करते हैं बेस प्लेट और कॉलम और नीचे उसका जो RCC का फाउंडेशन है, उन सब को जोड़ने के लिए उसे हम एंकरिंग असेंबली कहते हैं। उसमें आपके बोल्ट्स हो सकते हैं, रिवेट्स हो सकते हैं, और किसी किसी केस में वेल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। द कॉलम बेस इज़ यूजुअली सपोर्टेड बाय ईदर अ कॉन्क्रीट स्लैब और अ सब स्ट्रक्चर। नाउ कॉलम हमेशा आपने देखा होगा, जितने भी स्टील के कॉलम होते हैं उसके नीचे जो बेस होता है वो RCC का पेडेस्टल होता है। पेडेस्टल में आपको क्लास में भी बता चुका हूँ कि पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल इज़ ऑल्सो अ RCC कॉलम हुज हाइट इज़ लेस देन इट्स विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस। तो कॉलम बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है स्लैब बेस, ठीक है, ये होता है फॉर लाइट एंड एक्सियल लोड्स, हल्के और अक्षीय भारों के लिए। जो भार एक्सियल होते हैं, जो अक्ष से ट्रांसफ़र होते हैं नीचे, ठीक है, और जो हल्के होते हैं कम लोड के लिए स्लैब बेस यूज़ किया जाता है। दूसरा है गसेट बेस। गसेट बेस फॉर हैवी एंड एसेंट्रिक लोड्स, जहाँ पे हैवी लोड होता है, भार बहुत ज़्यादा होता है और एसेंट्रिक हो सकता है। एसेंट्रिक यानी कि जो लोड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं होते हैं, ठीक है, जो मोमेंट्स क्रिएट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसेंट्रिक लोड्स, वो होते हैं गसेट बेस। तीसरा है ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन, ये सब अभी आपको मैं फिगर आगे दिखाऊंगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ग्रिलेज फाउंडेशन कब प्रोवाइड करते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हैवी से भी हैवी, बहुत एक्सट्रीम लोड्स होते हैं जहाँ पर, वहाँ पे ग्रिलेज फाउंडेशन लगाते हैं स्टील कॉलम के नीचे और पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है। एक दूसरा केस और है ग्रिलेज फाउंडेशन फॉर एक्सट्रीम हैवी लोड्स एंड लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे, जहाँ की सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उस केस में भी हम ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाई इट इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, कॉलम बेस क्यों प्रोवाइड करते हैं?
टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम कॉलम टू फाउंडेशन। तो पहला तो हो गया, जो लोड आपका कॉलम ऊपर से जो लोड आ रहा है कॉलम पे, वो लोड नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक कॉलम बेस चाहिए, ठीक है। सेकंड, टू अवॉइड द पेनिट्रेशन ऑफ स्टील कॉलम इन आरसीसी फाउंडेशन और पेडेस्टल ड्यू टू हैवी लोड्स। क्योंकि लोड या भार कॉलम पे जो आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टील स्ट्रक्चर्स दे आर वेरी हैवी, दैट्स वाई जो लोड जो भार कॉलम पे आता है स्टील कॉलम पे वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नीचे उसमें कॉलम बेस नहीं देंगे या कोई प्लेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कॉलम अपने भार से या उस पर जो लोड आ रहा है उसकी वजह से वो नीचे जो आरसीसी की आपकी पेडेस्टल है फाउंडेशन उसमें वो धस जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा है ना पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब वो उसमें धस जाएगा, ठीक है, उसको तोड़ भी सकता है पेडेस्टल को नीचे, इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे उसमें, इसलिए हम कॉलम बेस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, टू प्रोवाइड अ फ्लैट स्मूथ बेस फॉर स्टील कॉलम सेक्शन टू रेस्ट अपॉन, ठीक है। तो एक हमें फ्लैट बेस मिल जाता है क्योंकि हम एक प्लेट लगाते हैं नीचे, तो प्लेट लगाने से क्या है, एक फ्लैट बेस हमें मिल जाता है स्टील कॉलम को खड़ा करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, ये है स्लैब बेस कॉलम, जो पहला टाइप है यहाँ पे जो बताया था, फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस में पहला है स्लैब बेस। तो स्लैब बेस में ये एक स्लैब बेस का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ऊपर से आएंगे, ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है आई सेक्शन, दिख रहा है सभी को, दिस इज आई सेक्शन, ये फ्लेंज है, ठीक है, कवर प्लेट, कवर प्लेट लगी हुई है, कवर प्लेट भी पढ़ चुके हैं, जो बिल्टअप सेक्शन थे उसमें प्लेट्स फ्लेंज में लगाते थे। इसके बाद दिस इज़ द वेब, वेब पोर्शन है ये, नीचे आते हैं, नीचे क्या क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये बेस प्लेट है, ठीक है, ये बेस प्लेट लगी हुई है, बेस प्लेट के नीचे क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट बेस, ठीक है, ये सीमेंट कॉन्क्रीट प्लेन सीमेंट का भी हो सकता है और ज़्यादातर आरसीसी का होता है, रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो तीन पार्ट हो गए मोटा मोटे तौर पर, एक आपका स्टील का कॉलम, दूसरा आपकी बेस प्लेट स्टील की, और तीसरा है आपका नीचे का बेस या पेडेस्टल जो आरसीसी का होता है, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ने के लिए देखिए क्या क्या किया है, बेस प्लेट नीचे आरसीसी के साथ जुड़ी है इन बोल्ट से, एक ये बोल्ट है, एक ये बोल्ट है, एक यहाँ पे बोल्ट है और एक इसके पीछे जो दिख नहीं रहा है वहाँ पे, चार बोल्ट से ये बेस प्लेट जुड़ी है नीचे पेडेस्टल से, ठीक है। और उसके बाद प्लेट को कॉलम से किससे जोड़ा है, ये एंगल्स लगे हैं, देखिए यहाँ पे एक एंगल लगा है, ठीक है, ये है फ्लेंज क्लीट एंगल, इसको क्लीट एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लेंज के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे फ्लेंज क्लीट एंगल। इसी तरह यहाँ बीच में वेब पे भी देखिए एक एंगल लगा के जोड़ा है, यहाँ पे भी इधर जोड़ा है वेब को और नीचे प्लेट से, ठीक है, इसको बोलेंगे वेब क्लीट एंगल, ठीक है। तो कॉलम को बेस प्लेट के साथ जोड़ा एंगल से, जिन्हें क्लीट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, और बेस प्लेट को नीचे आरसीसी पेडेस्टल के साथ जोड़ा है बोल्ट से, ठीक। ये बोल्ट पहले से ही कास्टिंग के पहले, जो नीचे आरसीसी का कॉलम या पेडेस्टल होता है जब उसकी कास्टिंग होती है ढलाई, ढलाई से पहले ही ये बोल्ट उसमें लगाए जाते हैं और ये उतना ऊपर निकाल के रखे जाते हैं जितने में ये बेस प्लेट और कॉलम टाइट हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इसके आगे के जो दो टाइप्स हैं वो इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। बाकी इस पिक्चर में इट इज़ अ पिक्चोरियल व्यू ऑफ कॉलम विथ स्लैब बेस, अगर आप गूगल पे एक बार सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे स्लैब बेस कॉलम के। तो टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। थैंक यू।